Hello and welcome to S classes. I welcome you all in this free MCQ session which you are getting on this free YouTube platform S. Today's MCQ session is based on an important topic which is in your syllabus that is important rivers and lakes of India. This is an important component from which you can expect nearly Two to three questions in your examination. So, beginning today's MCQ session with question number first. Question number first here is Which of the following is the longest river that originates in India? Option A, River Brahmaputra. Option B, River Yamuna. Option C, River Ganga. And Option D, Godavari River. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टेक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द आंसर करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन सी दैट इज ए रिवर गंगा आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन River Ganga is the longest river which originates in India and almost uh, through 10 states this uh, river passes. Moving on to next question. Next question is which among the following tributaries of Indus originates from Lake Raksthal? ऑप्शन ए जहलम ऑप्शन बी ब्यास ऑप्शन सी रवि एंड ऑप्शन डी सतलज। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टूअर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ऑप्शन डी दैट इज रिवर सतलज। लुक अगर हम रिवर इंडस की ट्राइब्यूटरीज़ की बात करें तो इसकी कुल पांच ट्राइब्यूटरीज़ है उनमें से है जेलम है दूसरा है चिनाब देन ब्यास रवि एंड सतलज दीज आर फाइव ट्राइब्यूटरीज़ ऑफ इंडस रिवर अगर हम रिवर सतलज की बात करें दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रक्सताल लेक जो कि तिब्बत में है एंड इन तिब्बत इसका लोकल नेम है लैंगचिन लैं नियर लेक मानसोरोवर दिस लेक रक्सथाल इज सिचुएटेड एंड फ्रॉम वायर दिस रिवर सतलुज गेट्स इट्स ओरिजिन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दिन कैनाल सॉरी द बिनिन कैनॉल कैनल बिटवीन ऑप्शन ए कोच इन टू कोजिकोट ऑप्शन बी विजयवाड़ा टू विल्लूपुरम ऑप्शन सी कन्याकुमारी टू रामेश्वरम आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू एयर क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑप्शन बी दैट इज विजयवाड़ा टू विल्लूपुरम This Buckingham Canal runs between Vijayawada to Villupuram, so option B is the right answer to your question number three. Moving on to question number four. Question number four here is: Tattapani Hot Springs, which are believed to cure elements such as gout, muscular pain, are located in which district of J and K? Option A, Riasi. ऑप्शन बी रामबन ऑप्शन सी जम्मू एंड ऑप्शन डी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑप्शन बी दैट इज़ रामबन डिस्ट्रिक्ट दिस तातापानी पानी हॉट स्प्रिंग्स इन जे एंड के इन जे एंड के दिज हॉट स्प्रिंग्स आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामबन मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा ऑप्शन ए कृष्णा ऑप्शन बी रिवर महानदी ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी रिवर साबरमती आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर कॉरेक्ट ऑप्शन टिक कर रिया होगा द क्रेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर फाइव इज ऑप्शन सी दैट इज गोदावरी रिवर दिस इज़ कॉल्ड दक्षिण गंगा दक्षिण मीन्स साउथ इन साउथ इंडिया बिकॉज दिस इज़ द लॉर्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया एंड रिम्बर इट दिस इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा

नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज एट विच प्लेस अलाकनंदा एंड बागी राथी मीट एंड टेक द नेम गंगा सॉरी दिस इज़ हेयर नेम एंड टेक द नेम गंगा ऑप्शन ए हरिद्वार ऑप्शन बी अलाहाबाद ऑप्शन सी ऋषिकेश एंड ऑप्शन डी देव प्रयाग आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज़ ऑप्शन डी दैट एट देव प्रयाग दिस अलाकनंदा अलाकनंदा एंड बागी दिस टू स्ट्रीम्स मीट एट देव प्रयाग एंड फ्रॉम वेयर दे टेक द नेम गंगा राइट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन हियर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज ऑप्शन ए नर्मदा रिवर ऑप्शन बी रिवर सोन ऑप्शन सी रिवर नेत्रावती एंड ऑप्शन डी रिवर कावेरी आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑप्शन ए दैट इज़ नर्मदा रिवर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट हीयर इज विच रिवर इज नोन एज ओपन सीवर इन इंडिया ऑप्शन ए नर्मदा रिवर ऑप्शन बी यमुना रिवर ऑप्शन सी गोदावरी रिवर एंड ऑप्शन डी रिवर गंगा आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर एट इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ रिवर यमुना ओपन सीवर मीनज़ इन हिंदी अगर हम ओपन सीवर को हम खुला नाला कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज खला नाला ओपन सीवर इसे किस लिए कहा जाता है क्योंकि जो भी मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कहाँ जाता है रिवर यमुना में एंड दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज कॉल्ड एज ओपन सीवर खुला नाला क्योंकि इसमें खुला ऐसे ही इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन हीयर इज विच रिवर इन इंडिया इज नोन एज द सॉल्ट रिवर ऑप्शन ए रिवर नर्मदा ऑप्शन बी तापी रिवर ऑप्शन सी रिवर लूनी और लूनी रिवर एंड ऑप्शन डी रावी रिवर रावी आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर नाइन इज ऑप्शन सी दैट इज़ रिवर लूनी दिस इज कॉल्ड द साल्ट रिवर देखिए नियर अगर हम औरिजन की बात करें इसका ऑरिजन है नियर साबरमती नियर साबरमती इसका औरिजन है एंड ऑरिजन से कुछ ही दूर निकलते ही वहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट्स है एंड अलोंग दी सॉल्ट डिपॉजिट ये रिवर रन करता है इन्हीं सॉल्ट डिपॉजिट्स से होके रिवर गुजरता है दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द सॉल्ट रिवर मूविंग ऑर टू क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन हियर इज सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑप्शन ए साबरमती रिवर ऑप्शन बी कृष्णा ऑप्शन सी रिवर माही एंड ऑप्शन डी रिवर नर्मदा आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर टेन इज़ ऑप्शन डी देट इज़ रिवर नर्मदा ये जो सरदार सरोवर डैम है दिस इज़ बिल्ट अलॉन्ग रिवर नर्मदा के बैंक पर है एंड अगर रिवर अगर हम सरदार सरोवर डैम की बात करें दिस इज लोकेशन कहाँ पर है इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वहाँ पे सरदार सरोवर डैम है मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन हेयर इज डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑप्शन ए रिवर गंगा ऑप्शन बी हुगली रिवर ऑप्शन सी साबरमती रिवर एंड ऑप्शन डी बागी रिवर आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा the correct answer to your question number 11 is option D that is Bhagirathi Bhagirathi on the river Bhagirathi this Tehri dam is located and one more important fact is this is the highest river dam this Tehri dam is highest river dam highest river dam in India now मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हेयर इज द स्टेचू ऑफ यूनिटी इज लोकेट ऑन विच रिवर ऑप्शन ए रिवर गंगा ऑप्शन बी साबरमती रिवर ऑप्शन सी नर्मदा रिवर एंड ऑप्शन डी कृष्णा रिवर आई होप आप सभी ने कोक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा

इससे क्वेश्चनस आ जाएंगे तो आप वो अच्छे से अटम्प्ट कर पाओगे थैंक्स हैव अ गुड डे